सो फ्रेंड्स, शूटिंग खत्म होने के बाद में ये वाली जो क्लिप है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें मैंने बताया भाई यूलो जो बाइक है उन्होंने मेरे से इतना ज़्यादा चार्ज किया है, तो भाई उन्होंने किस कैलकुलेशन के हिसाब से किया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा भाई वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, एंड में मैंने बताया है, और बाकी वीडियो मेरी देखिए कि भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है यूलो बाइक यूज़ करके। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, दिस इज शुभम एंड वेलकम टू माय अदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, डे है संडे, डेट है 14/5/2021। सो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा था कि भाई एक स्पाइसी नूडल का चैलेंज करूँ। देखिए, मैंने मंगा भी लिया था ये 2x स्पाइसी नूडल, इसको लोग फायर नूडल के नाम से भी जानते हैं, और मैंने कई जगह सर्च भी किया था और यूट्यूब पर भी देखा, भाई लोग बोलते हैं वर्ल्ड हॉटेस्ट नूडल है। तो लास्ट मैंने चोलो चिप वाला चैलेंज बनाया था, मैं बोला भाई वो बना लिया, तो अब इसको भी एक बार ट्राई करता हूँ। लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखा मैंने, लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब देखते भी हैं ऐसी वीडियोस, तो मैं सोचा भाई मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ इसको। बट आज थोड़ा तबीयत मेरी डाउन चल रही है, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको। तो भाई अभी मैंने डिसाइड भी नहीं किया कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगा, जस्ट मैं सोचा भाई संडे है वीडियो तो मेरे को लानी है, क्योंकि वीक में एक ही वीडियो मैं बना पाता हूँ। तो आप लोगों को तो थंबनेल देख के मेरा पता ही चल गया होगा भाई किस टॉपिक पे मेरी वीडियो है, बट लिटरली अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया भाई किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, या बाहर जाऊंगा किसी मार्केट जाऊंगा क्या है। तो अभी आप लोगों को तो पता ही चल गया, मेरे को अभी आगे मैं कंटिन्यू करूँगा तो वहाँ पर मेरे को पता चलेगा। तो जल्दी चलिए, थोड़ा गेटअप वगैरह चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा भाई हेयर कट वगैरह कराना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, जो भी होगी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। सो चलिए अभी गेटअप चेंज करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का कंटेंट हमको मिल चुका है भाई। मैंने सुबह रजत को बताया, रजत भाई नूडल वाला आज बना नहीं सकता, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब चल रही है। तो रजत भाई से मैंने पूछा भाई क्या कंटेंट बनाया जाए, तो रजत भाई ने मेरे को सजेशन दिया भैया यूलो बाइक के बारे में बताओ। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर चलती है छोटी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक चलती है, आप लोग स्काई ब्लू कलर की, ब्लू कलर में। तो अभी इसकी सारी डिटेल जो है मैं बाहर चल के देता हूँ, फिलहाल तो रजत भाई ट्यूशन जा रखे हैं, तो अभी आप लोगों को बोर ज़्यादा नहीं करता। रजत भाई के आने के बाद सीधा हम चलेंगे बाहर और यूलो बाइक मैं हायर करूंगा, और क्या उसका प्रोसीजर होने वाला है साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग खुद भी कैसे हायर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपके मन में जो भी उसके लिए डाउट्स होंगे, जैसे कि उसका मतलब कितना किराया लगता है, कैसे उसको हायर करेंगे, और एक बार फुल चार्ज में कितना चलता है, तो सारा कुछ आपको बाहर ही मैं बता दूंगा। तो चलिए अभी रजत भाई का वेट करते हैं, देन चलते हैं फिर राइड करने। अभी मैं आया हूँ सीआर पार्क में, ये हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता था। देखिए यूलो जोन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर रजत भाई दिखाओ कितनी सारी खड़ी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे काफ़ी सारी खड़ी है, तो चलिए भाई पहले तो इसको अनलॉक कर लेते। तो चलिए पहले यूलो ऐप मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर उसको आप लोगों को दिखाता हूँ भाई अनलॉक करके। तो भाई एक इसको मैंने चेक किया था, एक ये वाली ले रहे हैं हम और एक इधर खड़ी है, तो शायद दो लूम है। तो चलिए पहले इसको अनलॉक करते हैं। देखिए यहाँ पे QR कोड लगा रहेगा इस स्टेयरिंग पे, इसके हैंडल पे, ये देखिए। तो ये राइड यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, अब देखिए यहाँ से उतार लेता हूँ भाई। तो ये भी भाई उतर नहीं रही, शायद लॉक लगा हुआ है क्या है। तो फ्रेंड्स एक हमने ले लिया है, तो फ्रेंड्स देखिए इसको अभी फाइनली हायर कर लिया हमने। तो इससे पहले हम लोग गए थे नेहरू प्लेस, तो नेहरू प्लेस में क्या था कि भाई तीन जो बाइसाइकिल खड़ी थी वहाँ पर, उसमें मतलब दो में तो भाई वो था मतलब बैटरी उसकी डाउन थी, चलने की कंडीशन में नहीं थी, और एक भाई मिल रही थी लेकिन उसका जो लॉक है वो नहीं खुल रहा था। तो अभी यहाँ पर फाइनली हमारे एरिया में आके मिला, और जहाँ से मैंने हायर की तो वहाँ से थोड़ा साइड में लेकर आ गए इसको, ताकि जो है वहाँ पर ऑन रोड था चलता हुआ, तो
शोर शराबा ज़्यादा था, इसलिए मैं थोड़ा शांति में ले आया इसको। तो अभी चलिए पहले थोड़ा भाई इसको मैं चला के देखता हूँ भाई। फर्स्ट राइड है मेरा भी, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मेरा भी फर्स्ट राइड है। तो अभी मैं देखूँगा भाई कि चलने में कैसी है, फिर आप लोगों को बताऊँगा भाई कि हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मैंने कैसे हायर किया वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले एक दो राउंड ले लेता हूँ भाई, चेक करता हूँ थोड़ा, रजत भाई भी फिर इन्जॉय करेंगे। तो भाई एक राउंड मार लिया मैंने, तो अभी हम बाद में मस्ती भी करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि चलाने में तो ठीक है, लेकिन जो स्पीड वगैरह जैसे देखेंगे तो स्पीड उतनी है नहीं। खैर इससे तेज़ तो बंदा भाई पैदल भाग लेगा, लेकिन फिर भी सही है इलेक्ट्रिक बाइक के हिसाब से। और बाकी देखेंगे इसमें हॉर्न भी है, अब पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी नहीं, हॉर्न देखिए तो ये चीज़ है इसमें। और इसके अलावा ब्रेक इसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट है, नॉर्मल जैसे हम स्कूटी वगैरह में लगाते हैं, बाइक में लगाते हैं, तो उसकी थोड़ी ढीली रहती है, आराम से रुक जाती है, बट इसमें काफ़ी कुरेक्शन कुछ करना पड़ता है। तो बाकी कुछ यही था। चलिए हाँ मैं आपको बताता हूँ भाई कि मैंने इसको मतलब कैसे हायर किया। तो फ्रेंड देखेंगे यहाँ पे साइड में स्क्रीन चल रही होगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है। तो जो अभी मैं कर रहा हूँ ये रजत भाई के फ़ोन से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे में अभी इसकी ऐप चालू है, तो भाई उस पर दिखा नहीं सकता मैं। तो इसमें यहाँ पर हमें यूलू पे जाना है ऐप पे। तो भाई आप लोग और भी फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो सेम फंडा है भाई, सब गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। तो मैं इसमें बताता हूँ भाई बैलेंस कैसे ऐड करना है हमको। यहाँ पे तीन जो ये दिखेंगे आपको, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे यूलू मनी का ऑप्शन आता है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने रिचार्ज किया हुआ है, तो 200 यहाँ पे दिख रहा है मेरा जो बैलेंस है 199, और 25 रुपये मेरे को मनी बैक मिल जाता है। तो ये जो 199 है ये रिफंडेबल होता है। तो आप लोगों का अभी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो 00 आ रहा होगा, तो ऐड मनी पे क्लिक करना, और यहाँ पे भाई जो भी अमाउंट है 200 का टॉप अप करना है। यहाँ पे जाके पे नाउ करके पेटीएम से, फ़ोनपे से, कैसे भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भाई देखिए आप लोग को सर्च करना है कि भाई आप लोग के घर के पास तो अगल बगल होगी नहीं जो भी व्हीकल है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे साइड में जो नियर बाय आपका कहाँ पे ये व्हीकल खड़ी है वो मिल जाएगा, और कितनी है वो भी आपको डिटेल इसमें मिल जाती है। और इसके अलावा करना क्या है ये देखिए, अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है, जब आप लोग अपनी जो व्हीकल है सर्च कर लेते हैं, अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये QR कोड स्कैन करता है यहाँ पर, तो ये स्कैन करेगा। तो स्कैन कैसे करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। QR कोड रजत जरा QR कोड दिखा दो एक बार। तो देखिए जो QR कोड है इसको स्कैन करना रहता है, फिर हमारी जो व्हीकल है अनलॉक हो जाती है। तो बस इतना सा फंडा था। तो फ्रेंड्स इसका जो ऐप का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाकी गूगल प्ले से भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, अभी चलिए अभी थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं, रजत भाई भी चलाएँगे। भाई हायर किया हमने तो भाई 1-1.5 घंटे तो भी मज़े काटेंगे, फिर मैं घर पर जाऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए रजत भाई रेडी हो चुके हैं तो ये लो बाइक चलाने के लिए, तो रजत भाई का देखते हैं राइड। तो रजत भाई थोड़ा घबरा भी रहे होंगे, थोड़ा आराम से चलाओ, गाड़ी वगैरह थोड़ी थोड़ी आ रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैं घर पे आ चुका हूँ, और हाँ मैंने वीडियो वहीं पे ख़त्म कर दी थी, बट भाई जब मैंने यूलो बाइक उनकी पार्क की जहाँ से मैंने पिक किया था, फिर वहाँ पे जो मेरा फेयर कैलकुलेट हुआ वो देख के भाई बिल्कुल मैं दंग रह गया। इन्होंने मेरे से चार्ज किया 284 रुपीज़ 1 घंटे के लिए। तो भाई मेरे को कहीं से भी ये जस्टिफाई नहीं लगा, अगर 150 रुपये तक भी लगते हैं जो भी है नॉर्मल चार्ज लगता 100, 110, 100 से 150 के बीच में तो कोई बात नहीं थी, मैं इग्नोर करता, बट इतना ज़्यादा फेयर कहीं भाई, आप अगर ओला उबर भी मतलब टैक्सी में बैठते हैं 1 घंटे के लिए, वो आपको तो सिटी घुमाएगी घुमाएगी 1 घंटे में जो भी घुमाएगी, और इतना चार्ज नहीं बनेगा जितना इन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइक का जो है चार्ज कर दिया हमसे। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, तो इसमें शायद ही आप लोगों को दिखे, बट यहाँ पर स्क्रीन शॉट मैंने लगा दिया है, तो आप लोग इसमें देख लीजिए, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने देखिए मेरे से GST चार्ज किया है 4 बार, और जो बाइक का रेंटल अमाउंट काटा है वो 2 बार काटा हुआ है, 1 बार 192, 1 बार 64। और मेरे को पता कैसे चला, देखिए आप जो व्हीकल का नंबर है वो दोनों का सेम है, जो 64 और 192 काटा हुआ है दोनों का सेम है। एंड टाइम भी देखिए और मिनट भी देखिए, 58 मिनट के लिए, और टाइम 3:45 पर जो है इन्होंने चार्ज मेरे से काटा हुआ है, इसका जो जो भी है चार्ज किया हुआ है मेरे से।
तो भाई इनके कस्टमर केयर पे मैं बात करके चेक तो करूँगा, बट भाई आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप लोग यूज़ करें ऐसे भाई। मतलब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है, और ज़रा से एक्सपीरियंस के लिए। बट आप लोग फिर भी करना चाहते हैं भाई देख लीजिए, वो तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।